साथ में लेके आया। देखो कैसी लिपस्टिक लगाई है, कैसी लिपस्टिक लगाई है। हाँ हाय करो सबको, हाय हाउ आर यू। वो अच्छा दिन, वो खुशी का दिन। स्वागत है आपका एक नए और अच्छे ब्लॉग के अंदर। सो ठीक है, फिलहाल तो बाहर आया हूँ, बहुत सारी बारिश भी हुई, पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉग अभी फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये आरू को भी साथ में लेके आया। देखो कैसी लिपस्टिक लगाई है, कैसी लिपस्टिक लगाई है। हाँ हाय करो सबको, हाउ आर यू। हाँ तो फिलहाल आरू को साथ में लेके आया हूँ और बहुत सारा ये बारिश हुआ है ना, इसलिए इसका पानी है। तो फिलहाल नज़दीक ही है घर के, लेकिन एक टॉपिक शेयर करना चाहता था। टॉपिक ऐसे था ना, तो कोई गुड फीलिंग अच्छी सोच है ना, तो यार फिर कोई ब्लॉग है। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं फिलहाल कि यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारी इनकम आती होगी आपको, कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है, कितनी अर्निंग होती है, लाइक दैट बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के माइंड में। लेकिन कहना चाहूँगा कि फिलहाल यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं कि जो क्राइटेरिया हम अगर कंप्लीट करते हैं तभी हमें यूट्यूब से पेमेंट या सैलरी शुरू होती है, अदरवाइज़ आपको मेहनत करनी होती है। ठीक है, जैसे कि चलो मान लो अभी यूट्यूब से जो क्राइटेरिया, आपको सिंपल दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ कि हमारा जो है, पहली बात तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक रूल से क्राइटेरिया पार कर सकते हैं। दूसरी बात कि 4000 आवर यानी कि 4000 घंटे का वॉच टाइम हमारा, कि 1000 सब्सक्राइबर भले ही कम्प्लीट हो जाए लेकिन उसके बाद 4000 आवर का जो वॉच टाइम होता है यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि 4000 घंटे का वॉच टाइम, हमारी वीडियो पब्लिक ने 4000 घंटे कंप्लीट वॉच आउट करनी चाहिए, तब जाके हम ये दो कंडीशन जब भी कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही यूट्यूब हमें सैलरी देता है, उसके पहले नहीं देता है। अगर चाहे तुम, अगर चलो मान लो कि दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट भी हो गए लेकिन अगर कुछ स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है तो द्वारा ही आपकी जो उसके थ्रू ही अर्निंग होगी, अदरवाइज़ यूट्यूब के जब तक आप क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको यूट्यूब से सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन थे, लेकिन पहली बात ये कि चलो मान लो शुरुआत की है, सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ भी कम है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानने की इसके ऊपर, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में, देना नहीं देना वो ऊपर वाले के हाथ में। और दुनिया में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मेहनत कोई भी और किसी की भी कभी भी आज तक खाली हाथ नहीं गई है, बस और हमेशा करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं तो फल की चिंता देने वाला ऊपर वाला बैठा है। ठीक है, इसलिए आपकी मेहनत के ऊपर, आपके काम के ऊपर भरोसा रखो हमेशा। सैलरी एक दिन आएगी ज़रूर, क्योंकि उसके बारे में आप सोचते रहोगे तो काम कैसे होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सैलरी फ़िलहाल तो अभी नहीं आती, जब तक आप क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप YouTube आपको सैलरी या फिर कोई भी पेमेंट नहीं देता, ना तो कोई प्रोवाइड करता। दूसरी बात ये कि, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा इसके अंदर कि सक्सेस के लिए एज कभी मायने नहीं रखता। आप चाहे 50 साल के हो, चाहे आप 20 ईयर के हो, चाहे 30 के, 40, 60, 70, कोई भी आपकी एज क्यों ना हो, सक्सेस आपके एज के अकॉर्डिंग कभी डिपेंड नहीं करता, कभी मायने नहीं करता। ठीक है, आप कैसे भी हो, कितने भी बड़े हो, आपके अंदर करने की ताकत है, आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, और एक दिन आप अच्छे विनर और अच्छे सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनोगे, ताकि आपके दिल को और आपके खुद को शांति मिले कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ करके दिया। यही दो क्राइटेरिया थे, और यूट्यूब को किस तरह से पेमेंट आता है, यूट्यूब किस तरह से हमें प्रोवाइड करता है, ये बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेहनत के ऊपर ध्यान देंगे और उसके बाद एक दिन ज़रूर सक्सेस और एक विनर बनेंगे। तब तक के लिए मेहनत हमेशा जारी रखनी है और बस वेट करना है कि वो अच्छा दिन, वो खुशी का दिन लाइफ में कब आ जाए, वो तो आपके साथ मैं शेयरिंग करूँगा हमेशा के लिए। ठीक है, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और दुआ करो कि अच्छे सब्सक्राइबर हो जाए, अच्छे व्यूज़ आ जाए और हमारी मेहनत को कोई देखे, जो कि दुनिया और ऊपर वाला वो तो हमेशा देख ही रहा है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर एंड गुड बाय।